तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने कुछ महीना पहले एक वीडियो बनाया था कि आधार कार्ड में हम किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन कराते हैं या फिर हम एक नया आधार कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा आधार कार्ड अपडेट होने में या फिर बनने में कितना समय लगता है, तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी अच्छा प्यार मिला और उसमें काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट आया है कि आपने जिस तरीके से वीडियो में बताया है उसी तरीके से हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। यानी कि जितना आप समय बताया था कि आधार कार्ड अपडेट होने में इतना समय लगता है, नया आधार कार्ड बनने में इतना समय लगता है, तो आपने जिस तरीके से वीडियो में बताया है लेकिन अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि अंडर प्रोसेस देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और कुछ भाइयों का ऐसा भी कमेंट आया कि आपने जिस तरीके से बताया है उसके हिसाब से हमारा आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, हमारा नया आधार कार्ड बन चुका है। और कुछ भाइयों का ऐसा भी कमेंट आया, मैंने उस वीडियो में एक फिक्स टाइम बताया था कि इस इतना टाइम में अपडेट हो जाता है, नया आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन ये हमारा टाइम ओवर हो चुका है यानी इससे अधिक समय हो चुका है लेकिन अभी भी हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, नया आधार कार्ड नहीं बना है, यानी कि अभी तक ये अंडर प्रोसेस में ही चल रहा है, ना ही हमारा इसका कोई स्टेटस का रिजल्ट आया है जैसे कि रिजेक्ट हो सकता है या फिर अप्रूवल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सभी लोगों का यहाँ पर अंडर प्रोसेस में अभी चल रहा है, यानी अभी तक इसका कोई भी स्टेटस रिजल्ट नहीं आया है कि रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूवल हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट करेक्शन कराए हैं या फिर आपने एक नया आधार कार्ड अप्लाई किया है और अभी तक अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, ना ही अपडेट हुआ है यानी अंडर प्रोसेस में है, तो अगर आपका अंडर प्रोसेस में है और अधिक समय हो चुका है या फिर वो समय बचा हुआ है तो इसको जल्द से अप्रूवल करना चाहते हैं या फिर अधिक समय हो चुका है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कि हमें फिर से नया आधार कार्ड अप्लाई करना चाहिए या फिर से हमें अपडेट करेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको अप्रूवल कराना है, कैसे आपको स्टेटस को कम्प्लीट करवाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार कार्ड अपडेट होने में कितना समय लगता है। हमने उस वीडियो में भी बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड अपडेट होने में 24 घंटा से लेकर 90 दिनों तक का समय होता है, चाहे आप एक नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर अपडेट कराते हैं, तो सभी का अपडेट होने में एक निश्चित समय होता है, 24 घंटा से लेकर 90 दिनों के बीच में होता है। तो अगर आपका 90 दिन नहीं हुआ है तो इसमें अगर आपका अंडर प्रोसेस में है तो इसमें आपको वेट करना चाहिए यानी इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक स्टूडेंट है और हम अपडेट करेक्शन करवाएं तो हम इसको जल्द से जल्द अप्रूवल करना चाहते हैं यानी कंप्लीट कराना चाहते हैं, भले ही हमारा 90 दिन नहीं हुआ है, तो कैसे हम इसको कंप्लीट करा सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं, तो उसका भी तरीका हम आगे आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपका 90 दिन से अधिक हो चुका है और अभी तक कोई भी इसका रिजल्ट नहीं आया है, ना ही ये रिजेक्ट हुआ है, ना ही अप्रूवल किया गया है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या अप्रूवल होगा या नहीं होगा, या फिर हमें फिर से अप्लाई करना चाहिए, तो हमने आधार हेल्पलाइन नंबर से बात किया हुआ है, तो जो भी हमने यहाँ पर बात किया है उसको हमने कॉल रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आपको ध्यान से सुनना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, तो बस आप लोग को ध्यान से सुनना है, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। केंद्र में आपका स्वागत है, वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। अपने आधार अपडेट, नामांकन या PVC कार्ड की अनुरोध स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं, भाषा बदलने के लिए 8 दबाएं, हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है, मैं प्रियंका आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम, हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाया है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, स्टेटस चेक कर रहे हैं तो अंडर प्रोसेस में है। आपको ये सुविधा लेके दें, ऐसे में मैं आपको पूरी सहायता करूंगी। क्या मैं अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जान सकती हूँ? यस मैम, बताते हैं। 15 3081। आधार आपके नाम पे है? यस। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं राज्य का नाम जान सकती हूँ? गूगल जी, अपडेट होने में मैक्सिमम 60 से 90 दिनों का समय लगता है, जैसे हमने बताया अपडेट अभी प्रोसेस में है, हमारे यहाँ पे भी प्रोसेस में शो हो रही है, अनुरोध करूंगी पहले वेट कीजिए, मैं भी चाहूंगा कुछ दिनों के बाद चेक कर सकते हैं। क्या मैम,
अपडेट यहाँ पे भी प्रोसेस में ही शो हो रहे, मैक्सिमम 60 से 90 दिनों का समय लगता है अपडेट होने में, कुछ दिनों के बाद चेक कर सकते हैं दोबारा। 60 से 90 दिन? हाँ जी। तो मैम अप्लाई किए हुए तो बहुत दिन हो गया, जहाँ से आधार सेंटर से अप्लाई किए थे मतलब अपडेट करवाए थे, तो वहाँ बोले कि 8 से 10 दिन में अपडेट हो जाएगा। माफी चाहूंगा, अपडेट कभी भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, फिलहाल अभी प्रोसेस में है तो उसके लिए वेट करना है। तो मैम आधार कार्ड में कोई भी चीज अपडेट करेक्शन कराते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनाते हैं तो उसका लास्ट समय कितना होता है करें मतलब अपडेट होने में? 90 दिनों तक होता है, 60 से 90 दिनों का मैक्सिमम समय होता है। 60 से 90 दिनों, और 24 घंटा वाला जो वहाँ बोल रहे थे कि 24 घंटा में भी हो सकता है या 1 दिन में भी हो सकता है, तो ये सब ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अगर 90 दिन हो जाएगा और अपडेट नहीं होगा तो फिर क्या करना है? वो रिगार्डिंग डिटेल चेक करके जो प्रोसेस होता है वो जानकारी दी जाती है, पहले से मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी, मैं भी चाहूंगी। नहीं, जैसे अगर नहीं हुआ तो उसके फिर आधार सेंटर वहीं जाना है कि या फिर कोई दूसरा प्रोसेस, ये जानना था। जो स्टेटस रहेगा उस अकॉर्डिंग जानकारी दी जाएगी, मिस्टर अंसारी, चेक करके जानकारी दी जाती है। स्टेटस जैसा मतलब रहेगा वैसे के हिसाब से ना? बिल्कुल। ओके, तो इसमें थोड़ा रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते मैम, जैसे कि स्टूडेंट है और हमको जरूरी है। आफ्टर 30 डेज अगर प्रोसेस में रहता है तो उसके लिए कंप्लेन दर्ज की जाती है। कंप्लेन वेट करना होगा। जैसे तो कंप्लेन किए थे, फाइल जो कंप्लेन होता है उसमें भी यही चीज बोले थे कि इतना दिन हो गया और अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो कृपा करके थोड़ा जल्दी कर दें, ये तो किए थे लेकिन उसमें भी यही चीज दिखाया जा रहा है। अभी प्रोसेस में वेट कीजिए सर। फ्यू डेज लिखा है लेकिन इसका एक फिक्स टाइम बता देता ना कि 15 दिन 20 दिन लगता तो अलग बात हो जाता है। सर यही समय है 60 से 90 दिनों का मैक्सिमम समय, इसके अंदर कभी भी हो सकता है, उस अकॉर्डिंग अभी वेट करना होगा। ओके, कोई उपाय नहीं है मैम जी? नहीं, माफी चाहूंगी। ठीक है, दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग से आपको पता चल गया कि आधार कार्ड अपडेट होने में कितना समय लगता है, कैसे हमें करवाना है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ये भी एक जानकारी मिला होगा कि अगर आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के अपडेट करेक्शन कराते हैं तो 60 दिन से लेकर 90 दिन तक का भी ये समय होता है। और इसमें हमने ये भी जानकारी लिया कि 24 घंटे में भी अप्लाई अप्रूवल होता है, 1 दिन में होता है या 2 महीना में होता है। तो इसमें हमें सभी प्रकार का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला कि आपका 24 घंटा में भी हो सकता है। जिस आधार सेंटर से आधार कार्ड अपडेट कराते हैं या फिर नया बनवाते हैं तभी हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितना समय लगेगा, तो वहाँ पर एक फिक्स टाइम नहीं बताया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि 8 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना या फिर 2.5 महीना में हो जाएगा। लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि 24 घंटे में भी अप्रूव हो जाता है और किसी का 90 दिन से भी अधिक हो जाता है। तो 90 दिन से अधिक होता है तो इसमें आपको कुछ एक्शन लेना है, लेकिन अभी तक आपका 90 दिन नहीं हुआ है तो इसमें आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। बस आपका उपाय यही है कि आपको 90 दिन तक इंतजार करना चाहिए। अगर 90 दिन से अधिक हो जाता है तो UID के पोर्टल में एक नया ऑप्शन लाया गया है फाइल एक कंप्लेंट, वहां से आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और जिस आधार सेंटर से अपडेट करेक्शन कराते हैं वहां पर आपको जाना चाहिए, आपको एक इनरोलमेंट पर्ची मिलता है, उसको आपको दिखाना है कि अभी तक हमारा अपडेट करेक्शन नहीं हुआ है। आपका क्या होगा कि फिर से रीअप्लाई किया जाएगा, यानी अगर कोई भी अपडेट करेक्शन कराते हैं तो फिर से उसको अपडेट करेक्शन करवाया जाएगा, और अगर आपका नया आधार कार्ड होता है तो फिर से नया आधार कार्ड के लिए रीअप्लाई किया जाएगा, तरीके से अप्रूवल करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।